हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर नॉलेज के पार्ट फोर के बारे में। जैसा कि आपको पता है, एग्रीकल्चर नॉलेज सीरीज का पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप तीनों पार्ट्स को देख सकते हैं। और आज हम दोस्तों बात करेंगे एग्रीकल्चर नॉलेज सीरीज के पार्ट फोर के बारे में, जिसमें 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप उसको गैस करिए। और टोटल जब आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाएं तो आपने कितने सही किए हैं वो आप हमको कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा मेन वीडियो जो कि है पार्ट फोर के बारे में। उससे पहले, अगर आपने एग्री मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, कंट्री विद हाईएस्ट ट्रैक्टर डेंसिटी इन दी वर्ल्ड 2017-18 के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर घनत्व वाला देश कौन सा था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी यूएसए। आपको 3 सेकंड मिलते हैं इसका आंसर गैस करने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी स्पेन। तो स्पेन दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर घनत्व वाला देश था 2017-18 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर दो पर चलते हैं दोस्तों। SP इज रिलेटेड टू, SP संबंधित है स्प्रेयर से, ऑप्शन बी नोजल से, ऑप्शन सी डस्टर से या ऑल ऑफ दी अबव। आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं इसका सही आंसर गैस करने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए स्प्रेयर। तो दोस्तों, SP एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्प्रेयर्स मैन्युफैक्चर करती है, जो इंडिया में प्लस अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च इज सिचुएटेड इन, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी मैक्सिको। आपको 3 सेकंड दिए जा रहे हैं इसका आंसर गैस करने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेजेंट रेपो रेट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान रेपो दर क्या है? ऑप्शन ए 4.80%, ऑप्शन बी 5.10%, ऑप्शन सी 5.40% और ऑप्शन डी 6%। आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं इसका सही आंसर गैस करने के लिए। दोस्तों, प्रेजेंट की रेपो रेट आपकी है ऑप्शन सी 5.40%। और आपको यही पता होना चाहिए कि जो आपका रिवर्स रेपो रेट है वो आपका 5.15 है, और आपका जो CRR है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो 4% है, और SLR है वो आपका 18.75% है, जो आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये डेटा है जो प्रेजेंट का RBI के थ्रू दिया जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से आप याद कर लीजिए। आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन के साथ। उससे पहले दोस्तों, आज की वीडियो का टारगेट है 500 लाइक्स का। अगर आपने वीडियो पसंद आ रही है आपको तो प्लीज़ लाइक करिए। पिछले वीडियो का जो टारगेट था 400 आपने पूरा किया, सो थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए। और आज का दोस्तों हमने टारगेट रखा है 500 लाइक्स का। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। आगे चलते हैं दोस्तों। द इनिशियल कॉर्पस ऑफ नाबार्ड बैंक वॉज, तो नाबार्ड बैंक का प्रारंभिक कोष कितना था? ऑप्शन ए 88 करोड़, ऑप्शन बी 100 करोड़, ऑप्शन सी 200 करोड़ और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं इसका आंसर गेस करने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 100 करोड़। तो दोस्तों, नावट का जो इनिशियल जो रखा गया था, प्रिंसिपल अमाउंट रखा गया था, वो 100 करोड़ का रखा गया था। या बोल सकते हैं प्रारंभिक कोष रखा गया था वो 100 करोड़ का था, जो कि नावट बैंक का था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑफ अनस्किल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार कृषि में अकुशल श्रमिक की मजदूरी की न्यूनतम दर क्या है? ऑप्शन ए 275 रुपये प्रतिदिन, ऑप्शन बी 305 रुपये प्रतिदिन, ऑप्शन सी 355 रुपये प्रतिदिन और ऑप्शन डी 400 रुपये प्रतिदिन। आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं इसका आंसर गैस करने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों 355 रुपये पर डे। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट दोस्तों 355 रुपये दिए जाएंगे, जो आपका अनस्किल्ड लेबर होगी जो एग्रीकल्चर में काम करेगी उसको कम से कम 355 रुपये आपको देना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि वेजेस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 355 रुपये प्रतिदिन। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। वट इज़ द नॉर्मल रोटर स्पीड ऑफ रोटावेटर, रोटावेटर की सामान्य रोटर गति क्या होती है? ऑप्शन ए 170 से 210 RPM, ऑप्शन बी 210 से 240 RPM, ऑप्शन सी 250 से 280 RPM और ऑप्शन डी 280 से 310 RPM। आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं इसका आंसर गैस करने के लिए।
इसका तो सही आंसर है 210 से 240 आरपीएम, ऑप्शन बी। तो रोटर की जो स्पीड होती है वो 210 से 240 रिवॉल्यूशन पर मिनट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आगे चलते हैं। व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन ह्यूमस, ह्यूमस में कार्बन प्रतिशत कितना होता है? तो 40 से 50%, ऑप्शन बी 50 से 60%, ऑप्शन सी 60 से 70% और ऑप्शन डी 70 से 80%। आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं इसका आंसर गेस करने के लिए। इसका तो सही आंसर है ऑप्शन बी 50 से 60% कार्बन पाया जाता है ह्यूमस के अंदर। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन पे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विच एग्रीकल्चर एंड्रॉयड एप्लीकेशन वॉज लॉन्च्ड बाय फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर फील्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। पूर्व केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह द्वारा कृषि क्षेत्र में संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा कृषि एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए खेती ऐप, ऑप्शन बी देहात ऐप, ऑप्शन सी मेरा खेत ऐप और ऑप्शन डी एग्री हेल्प ऐप। आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं इसका आंसर गेस करने के लिए। इसका तो सही आंसर है ऑप्शन बी देहात ऐप। तो आपको बता दूं पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी ने देहात ऐप को लॉन्च किया। इसकी हेल्प से दोस्तों किसानों को मौसम संबंधी जानकारी और एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो दोस्तों ये ऐप केवल एंड्रॉयड फ़ोन में ही काम करेगी, तो जो भी फार्मर्स एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके फ़ायदा ले सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं आज का लास्ट सवाल जो कि नंबर 10 है। नंबर 10 क्वेश्चन है दोस्तों, द सीड रेट ऑफ ट्रू पोटैटो सीड TSP सत्य सच्चे आलू बीज की दर क्या होती है? ऑप्शन ए 150 ग्राम पर हेक्टेयर, ऑप्शन बी 1 किलो पर हेक्टेयर, ऑप्शन सी 2 किलो पर हेक्टेयर और ऑप्शन डी 20 टन पर हेक्टेयर। आपको 3 सेकंड दिए जा रहे हैं इसका आंसर गेस करने के लिए। इसका जो सही आंसर है 150 ग्राम पर हेक्टेयर। तो दोस्तों ये हो गए आज के 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप अपने जो भी आपके सही आंसर आ रहे हैं तो कमेंट करिए। और उसके बाद दोस्तों अब समय आ गया है कि आपसे स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाए जो कि वीडियो के लास्ट में पूछा जाता है। दोस्तों आज का आपके लिए क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू MSP 2019-20 मेज का MSP कितना रखा गया है, मक्के का MSP कितना रखा गया है? ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मक्के का कितना है 2019-20 के अकॉर्डिंग? ये आपका दोस्तों आज का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको आंसर पता है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि था एग्रीकल्चर नॉलेज पार्ट 4। और अगर अभी तक आपने एग्री मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे दोस्तों, ऐसे ही आपके पार्ट आते रहेंगे जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। और जैसे कि आपको पता है आज की वीडियो का दोस्तों टारगेट है 500 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि कल का जो लाइक था आपने पूरा किया है, जो 400 लाइक का टारगेट था वो आपने पूरा किया है। सो आपके प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। और आज के हम वीडियो का टारगेट रखते हैं दोस्तों 500 लाइक्स का। और दोस्तों आपको बता दें कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड की जा रही है एग्री टेक कॉम्पिटिशन क्लासेस की तरफ से, जो इटावा उत्तर प्रदेश में दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको AFO गेट TA यूपी कैटेट की कोचिंग दी जा रही है। अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर डेमो ले सकता है दोस्तों। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है एग्री टेक कॉम्पिटिशन क्लासेस, वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर आके आप डेमो क्लास देखिए। बाकी दोस्तों कोचिंग की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ जाके भी दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं और वहाँ पर डेमो क्लास आप ले सकते हैं। 2 दिन की फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास है दोस्तों। अगर आपको पसंद आए क्लासेस तो आगे ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि आपको बताया कि TA की वैकेंसी आने वाली है, 3924 वैकेंसी आने वाली लाइफ में, तो उसका भी दोस्तों बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कॉल करिए, क्योंकि दोस्तों सीट्स लिमिटेड है हमारे पास। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है TA का या फिर AFO का या गेट का कोचिंग का, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कॉल करिए या मैसेज करिए। दोस्तों ये था आज का पार्ट आपका जो कि था एग्रीकल्चर नॉलेज पार्ट 4 का। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और कम से कम एक व्हाट्सएप या FB ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ताकि सभी स्टूडेंट को इस इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके, जो कि आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है दोस्तों, और आप बताइए किस टॉपिक का वीडियो मैं आपके लिए बना सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा उस पर बनाने की। और जो भी आपका कमेंट होगा मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।